भगवान राम की नगरी में सावन की तीज से सभी मठ मंदिरों में भगवान झूलोत्सव का आनंद लेंगे। उससे पहले मणि पर्वत ये वो स्थल है जहां पर सभी प्रमुख मठ मंदिरों के युगल सरकार झूलोत्सव का आनंद लेने के लिए आएंगे। ये 19 अगस्त को बाकायदा सभी प्रमुख मठ मंदिरों के युगल सरकार मणि पर्वत पर झूलोत्सव का आनंद लेंगे। उसके बाद पूरे शहर में सभी प्रमुख मठ मंदिरों में झूलन पड़ेगा। युगल सरकार का झूलन का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के जिलों से भी आते हैं। लगभग 2 से 2.5 लाख क्राउड उस समय यहाँ रहेगा, जिसको लेकर आज सुरक्षा से संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण किया और संपूर्ण मणि पर्वत को CCTV से लैस करने के साथ साथ दर्शन मार्ग और निकासी मार्ग पर बाकायदा बैरिकेडिंग की जा रही है। इसके अलावा रामनगरी के प्रमुख मार्ग जहां से भगवान राम के युगल सरकार मठ मंदिर से निकलकर और मणि पर्वत पहुंचेंगे, उसको लेकर भी एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। फिलहाल तैयारियां चुस्त हैं और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि सुरक्षा के साथ श्रद्धालुओं को कम से कम असुविधाओं इसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे मेले का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या से न्यूज 18 के लिए निमित गोस्वामी। तो आगामी सावन झूला मेला के संबंध में आज मेरे पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र व क्षेत्र के जितने भी हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं जो कि मेले से सीधा जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ एरिया का भ्रमण किया गया। इस संबंध में बताना चाहेंगे कि 17 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक हमारा सावन झूला मेला को लेकर के एक बृहद पुलिस का प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें पूरे क्षेत्र को हमारे द्वारा 6 जोन्स और 22 सेक्टरों में बांटा जा रहा है, जिसके लिए हमको पुलिस मुख्यालय व लखनऊ जोन से अतिरिक्त मात्रा में काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल PAC RAF प्राप्त हो रहा है, जिनको लेकर के एक अच्छा पुलिस अरेंजमेंट बनाया जाएगा। इसके अलावा घाट पर सुरक्षा हेतु SDRF की ऑलरेडी हमको टीम्स मिली हुई हैं। उसके अलावा एक कंपनी हमको बाढ़ राहत PAC अलग से मिल रही है। उसके अलावा अतिरिक्त हमारे पास जल पुलिस की व्यवस्था है, जिनको लेकर के आने वाले सभी जो श्रद्धालु हैं वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था एवं उनका एक सुगम अनुभव हो, इसके लिए हमारी तैयारी की जा रही है। देखिए, उसके लिए अभी से जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनको टास्किंग कर दी गई है, क्योंकि कुछ जगहों पे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके हिसाब से कहाँ कहाँ हमको कैसी अरेंजमेंट करनी है, उसके लिए वो लोग अभी से अपना पूरा ड्यूटी प्लान जो है जो रेडी हो चुका है। लोगों की एक प्रारंभिक ब्रीफिंग कल रात को मेरे द्वारा कर दी गई थी। अब पुनः मेला से पहले 2 राउंड्स और हमारी ब्रीफिंग की होगी, जिससे हम सब लोगों को उनके बारे में उनकी जो भी ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में समझा पाएँ। और जो जैसा मैंने आपको कहा, सभी जहाँ जहाँ से हमारे झूले आते हैं वो सभी आश्रमों से भी हमारी वार्ता चल रही है, एक संवाद स्थापित करके इसको सुगम तरीके से करवाया जाए, हमारा प्रयास है।